नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। चीन और नेपाल की सीमा से सटा पिथौरागढ़ जिला आज अपनी 63वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आज ही के दिन 24 फरवरी 1960 को कुमाऊं मंडल में तीसरे जिले के रूप में पिथौरागढ़ जिला अस्तित्व में आया था। गठन के 62 साल पूरे कर चुके पिथौरागढ़ जिले के खाते में जहां कई नई उपलब्धियां जुड़ी तो कई ऐसे अभिशाप भी हैं जो आज भी जिले से जुड़े हुए हैं। साठ के दशक में जब चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत में कब्जा करने लगा तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली, जिस कारण भारत और चीन के रिश्तों में खटास अपने चरम पर पहुंच गई। वहीं दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को अविभाजित उत्तर प्रदेश में 3 नए सीमांत जिलों को मिलाकर उत्तराखंड कमिश्नरी का गठन किया गया। पौड़ी गढ़वाल में जहां चमोली तहसील को अलग जिले का दर्जा मिला, वहीं टिहरी से उत्तरकाशी और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिला अस्तित्व में आया। बता दें कि उत्तराखंड कमिश्नरी के गठन का मुख्य उद्देश्य तिब्बत से लगे सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था, ताकि चीन से लगी भारतीय सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति थी उसके तहत जो है उत्तराखंड में 3 सीमांत जनपदों का गठन किया गया, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और जिन अपेक्षाओं को लेकर इन जनपदों का गठन किया गया वो कहीं भी आज धरातल में मौजूद नहीं है, क्योंकि आज 59 गांव मानवविहीन हो चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी जो है तीनों जनपदों में जो बुनियादी संसाधन, चाहे शिक्षा का हो, वो सड़कों का हो, वो पेयजल का हो, या यातायात, अन्य जितने भी चिकित्सालयों को लेकर हो, उन सब में बुरी तरह जो है राज्य और केंद्र सरकार विफल रही है। और वर्तमान में अगर देखा जाए जिस ढंग से चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति को फैला रहा और चारों ओर से जो भी राष्ट्र हैं उनको कहीं ना कहीं उसने अपने दबाव में लिया, वहाँ पर उसकी गतिविधियाँ काफ़ी तेज हुई हैं। उत्तराखंड कमिश्नरी के गठन के शुरुआती दौर में तीनों सीमांत जिलों को सामरिक रूप से सशक्त बनाने और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे चीनी आक्रमण का खतरा टलता गया इन सीमांत जिलों की भी उपेक्षा होती चली गई। अगर बात करें पिथौरागढ़ जिले की तो पिछले 62 सालों में यहां विकास कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। कई ग्रामीण इलाके तो आज भी विकास से पूरी तरह से अछूते हैं। पलायन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीमांत जिले के 59 गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पूरी तरह मानव विहीन हो गए हैं। मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के अभाव में लगातार गांव से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं शहरी इलाकों में बढ़ता जन दबाव और अनियोजित विकास गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में जिस तरीके से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि इस संवेदनशील क्षेत्र में तत्काल जो है बुनियादी संसाधन उपलब्ध कराए, अन्यथा जिन बुनियादी संसाधनों को लेकर पलायन हुआ है भविष्य में हो सकता है इस क्षेत्र में जो है चीन की विस्तारवादी नीति के तहत अक्सर देखने में आया है कि कभी कभार उनके सैनिक जो है भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। तो जिस ढंग से गांव वीरान हुए हैं इस गंभीरता को अगर भारत सरकार हल्के में लेगी तो इसका खामियाजा भविष्य में देश को भुगतना पड़ेगा। 62 सालों में तरक्की तो नाम की कुछ चीज़ हुई नहीं है फिलहाल एक हिसाब से सोचा जाए तो। जो अब हमारे क्षेत्र में अभी मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए थी वो चीज़ें तो है नहीं। अब हमें कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो सीधे हल्द्वानी या बरेली सीधे रेफ़र कर दिया जाता है, कोई भी डॉक्टर जो भी अस्पतालों में नहीं होती है। अब देखो गांव घरों का आदमी जो है शहरों में आकर के बस गया है, अब जाकर के गांवों का विकास की कह रहे हैं कि हमने विकास कर रहे हैं वो कर रहे हैं करके, अब जाकर के सड़कें गाँव में पहुँच रही है, अब क्या फ़ायदा उस सड़क का पहुँच करें। अगर सामरिक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ आज भी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा राम भरोसे बनी हुई है। भारतीय सेना के पास चाइना बॉर्डर तक पहुँचने के लिए न तो रेल यातायात उपलब्ध है और न ही सड़क मार्ग। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मिलम मार्ग में सड़क कटिंग का
काम लंबे समय से चल रहा है। वहीं दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाली सड़क के हाल बरसात में बद से बदतर हो जाते हैं, जिस कारण भारतीय सेना को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं चाइना तिब्बत बॉर्डर तक सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही रेल यातायात और हवाई अड्डे भी तैनात कर चुका है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चीन सीमा पर दूरी रक्षा पंक्ति का काम करने वाले सीमांत वासियों का पलायन भी सामरिक नजरिए से चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला अस्तित्व में आया था, अल्मोड़े से अलग हुआ था, जिसके पीछे मंशा यही थी कि जो सीमांत का यह क्षेत्र है जिसकी सीमाएं चीन नेपाल और तिब्बत से मिलती थी, उसको देखते हुए संवेदनशीलता बरती गई ताकि सीमाओं की रखवाली अच्छे तरीके से हो सके। या जो सीमांत के गाँव हैं, सीमांत का जो पूरा इलाका है, धारचूला, टीडीहाट, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, यहाँ पर जो विकास है, चाहे सड़कों का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, इसको अच्छे तरीके से चीज़ों को किया जा सके। और आज हम कह सकते हैं कि इन 40 से 50 सालों में जब पिथौरागढ़ ज़िले का निर्माण हुआ है, चीज़ें धीरे धीरे से सही लेकिन आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। उसके बावजूद भी अभी स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा इस ज़िले के अंदर है। पिथौरागढ़ ज़िले का गठन 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा ज़िले की 32 पट्टियां और 1972 में चंपावत तहसील को मिलाकर किया गया था। बहुत ही सुंदर रमणीक इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है, इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं अभी पटरी पर नहीं आई हैं। और 63 साल बाद भी आज हम जिला चिकित्सालय की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर मात्र एक रेफर सेंटर के रूप में यह जिला चिकित्सालय रह गया है। चीन की विस्तारवादी सोच को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया था। मकसद था इन सीमांत क्षेत्रों का विकास करना, लेकिन 62 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इन क्षेत्रों के हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सीमांत के खाली होते गाँव हैं। ऐसे में सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा, ताकि हम अपने आप को पड़ोसी से ज़्यादा मजबूत कर सकें। पिथौरागढ़ से कैमरा पर्सन मनोज चंद के साथ मैं राकेश पंत, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।